हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब त्यौहार आने वाले हैं और ऐसे में मिठाइयाँ तो घर में होना बनता ही है लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी मिठाई आप घर में बना सकते हैं और वो भी बिना गैस के जलाए जी हाँ दोस्तों इस मिठाई को मैंने बिना गैस जलाए बनाया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि कितनी अच्छी मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना पसंद आएगी तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी सी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई तो इस मिठाई को बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिया ये आधा कप पनीर मैंने ये घर में बनाया हुआ पनीर लिया था आप मार्केट का भी ले सकते हैं चाहें तो और अब इस पनीर को हमें मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कई बार ऐसा होता है कि अगर अगर आप मार्केट का पनीर लाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो उसे स्मूथ करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर हाथों से मसलने से ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रहा है तो आप उसमें एक से दो दू चम्मच दूध डालकर और एक बार हल्का सा मिक्सी में चला लें तो आपका जो पनीर है बिल्कुल स्मूथ से टेक्चर में आ जाएगा तो देखिए मैंने इसे घर में बनाया था तो ये बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो गया और अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप ही मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं नॉन डेढ़ या स्कीम्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो और इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें बहुत ही फटाफट से ये मिठाई बनने वाली है दोस्तों मुश्किल से पाँच मिनट आपको इसको बनाने में लगेंगे तो देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मीठे के लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ बूरा जो वाइट वाला बूरा आता है मार्केट में वही आप चाहें तो पिसी चीनी ले सकते हैं मैं पहले थोड़ा डाल दिया था और मेरी क्लिप डिलीट हो गई तो इसमें मैंने डाला चार बड़े चम्मच के करीब बूरा अगर आप क्योंकि बूरा भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे मिश्री पीस कर मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं वो भी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है इस मिठाई में दोस्तों ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं करना है तो इसीलिए मैंने सिर्फ चार चम्मच बूरा इसमें ऐड किया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें तो देखिए हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और एक परफेक्ट सा बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी वाला डो हमारा ये बनकर रेडी हो गया है तो देखिए अब मैंने कर लिया इसे इकट्ठा अब मैं क्या करूँगी इसे चार पार्ट में डिवाइड करूँगी इस तरीके से और इसमें से जो एक हिस्से वाला पार्ट है वो अलग कर लूँगी और बाकी तीन हिस्से वाले पार्ट को अलग कर लूँगी तो देखिए अब ये जो एक हिस्सा हमने अलग किया था इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट की और बिल्कुल एक पिंच लेमन येलो फूड कलर इससे जो अंदर फीलिंग डालेंगे आप उसका बहुत ही सुंदर कलर आएगा और दिखने में भी वो बहुत ही अच्छी लगेगी तो इसे कर लें अच्छे से मिक्स तो देखिए मैंने इसमें फूड कलर को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लेमन येलो वाला कलर हमारी इस मिठाई का आ गया है अब आप हाथों पर हल्का सा घी लगाएं जिससे ये मिक्स चिपके नहीं और इसमें से सात से आठ हिस्से डिवाइड कर लें जितनी क्वांटिटी में मैं आपको मिठाई बताने जा रही हूँ करीब आठ पीसेज आपके बनकर रेडी होंगे इससे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही हूँ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रेशियो को यही रखें और जितनी भी ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं तो इस तरीके से देखिए मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स इसकी बना ली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हमारा बना है तो बहुत ही आसानी से हमारी ये बॉल्स बन चुकी हैं तो अब जो हमने दूसरा हिस्सा बचा कर रखा था तीन हिस्से वाला उसमें से भी इतने ही पीसेज़ अलग अलग कर लें मतलब इतने ही पार्ट में उसको भी डिवाइड कर लें जितनी हमने ये बॉल्स बनाई हैं तो इस तरीके से मैंने इसे सात से आठ पार्ट में डिवाइड कर लिया कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपको लगे कि मिक्स थोड़ा गीला हो रहा है तो अगर मिक्स आपको थोड़ा गीला फील हो तो आप एक दो चम्मच जैसे कि कोकोनट इसमें डाल सकते हैं उससे टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही साथ में वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है तो आपकी मिठाई बिल्कुल भी गीली नहीं होगी अब आप एक एक पीस को हाथों पर इस तरीके से लें और फैलाते हुए एक एक पीस को जो हमने येल्लो कलर की बॉल बनाई थी उसको इसके बीच में रखें और जिस तरह से हम कचौड़ी का या आलू के पराठे की फिलिंग बंद करते हैं इस तरीके से बंद कर लें और हथेलियों के बीच इसको बढ़ाते हुए इस तरीके से शेप दे दें मैंने इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दी है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट सा मिक्स हमारा बना है और बहुत ही आसानी से ये जो सारी मिठाई की है हमारी बनती चली जा रही हैं आप चाहें तो हल्का सा किसी बोर्ड पर या चकले पर इस तरीके से हाथों से कर लेंगे तो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा अब मैंने इसे गार्निश करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा सिल्वर वर्क था ऊपर से सिल्वर वर्क लगा दिया है ऐसा करने से जो मिठाई है बहुत ही मार्केट जैसा लुक देती है और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है तो देखिए मैंने सारे पीसेस पर सिल्वर वर्क को लगा लिया है अब ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ा सा बारीक कटा पिस्ता भी मैं डाल दे रही हूँ तो है ना कितनी आसान बनाना आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी मिठाई आप इतनी आसानी से बना लेंगे हल्का सा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हल्का सा प्रेस कर दें जिससे वो इस पर आसानी से चिपक जाएँ और फिर निकलेना लेना तो लीजिए हमारी ये टेस्टी सी मिठाई तैयार है बनकर अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही साबुत भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसे पीसीज में कट करके सर्व कर सकते हैं तो मैं आपको एक पीस का टेक्सचर कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितनी अच्छी अट्रैक्टिव बनकर तैयार हुई है इसमें जो वो ग्रीन कलर है कितना अच्छा नज़र आ रहा है तो इस तरीके से मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया तो लीजिए दोस्तों हमारी ये टेस्टी सी मुँह में घुल जाने वाली मिठाई सर्व के लिए तैयार है अगर आपको ये रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इन त्यौहारों पर आप भी सब करें सरप्राइज और बनाइए मुंह में घुल जाने वाली मिठाई तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ धन्यवाद